क्वेश्चन 17 में कहता है, एक स्टूडेंट है, लैब वगैरह में मेजरमेंट कर रहा है, ये डायमीटर देख रहा है स्मॉल स्टील के बॉल का स्क्रू गेज की हेल्प से। बेसिक सा मेजरमेंट से क्वेश्चन आ गया ये। इसका लीस्ट काउंट बच्चों 0.001 सेंटीमीटर्स में, ध्यान रखना है इस बात का। द मेन स्केल रीडिंग इज एमएम में लिखी हुई है ये, और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, ये थ्योरी है बिल्कुल, सर्कुलर स्केल कहाँ पे कोइंसाइड करता है, ये टर्म एन की आ गई, ठीक है 25। फिर कहता है स्क्रू गेज अपना सही नहीं था, खराब स्क्रू गेज था, इसलिए उसमें जीरो एरर मिल रहा है और इतनी की मिल रही है। इसको अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर की दो लाइन को पढ़ लेते हैं। इस तरह का एक स्कीमेटिक समझ लो कि स्क्रू गेज का होता है। यहाँ कहीं एक स्टील का बॉल रखा है, कुछ रीडिंग्स हैं इनिशियली, तो 5 mm लिखा हुआ है, तो मान के चलो कि 5 mm पे ये पड़ रहा होगा 5 mm, ठीक है। और इसका जो जीरो है ना वो 25 पे जाके हिट होता है। तो थ्योरी ये बिल्कुल, ये टोटल स्केल रीडिंग इज इक्वल्स टू, इसको कहते हैं बच्चों MSR प्लस VSR, स्टैंडर्ड थ्योरी। MSR मतलब जो उसको नेकेड आई से दिख रहा है वो एज इट इज लिख दो आप, बस ध्यान रहे कि ये या तो mm में लिखी जाएगी पूरी इक्वेशन, या तो ये सेंटीमीटर में। और ऑप्शंस पे नजर घुमाओ तो क्या लिखा है, ये सेंटीमीटर्स, तो अपन भी इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। मतलब मेन स्केल में 5 mm है, तो आपके लिए हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। VSR का फॉर्मूला होता है n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, सिंपल हो रहा है यहाँ तक तो। n प्यारे बच्चों 25 दिया है, लीस्ट काउंट भी गिवन है 0.001, और यहाँ है 0.5 सेंटीमीटर, और ये अपना TSR का आंसर मिल रहा है। ये हो जाएगा 0.025, तो ये हो जाएगा 0.525 सेंटीमीटर TSR, है ना। और ये अभी आंसर नहीं है, ये अभी इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि अपन ने लास्ट लाइन को सॉल्व नहीं किया। देखो अगर कुछ रखने के पहले ही ये नेगेटिव में दे रहा आंसर, तो इतनी वैल्यू प्लस में चली जाएगी। तो अगर अपन जीरो एरर को सॉल्व कर लेंगे ना, कंसेप्ट सीखते हैं अपन, नेगेटिव में आएगी तो ऐड करना है, प्लस में गिरेगी तो माइनस करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग जीरो एरर जो TSR होता है ना बच्चों, वो हो जाएगा 0.525 प्लस ऑफ जीरो एरर, जो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा 0.525 प्लस 0.004 विच इज 0.529, और आंसर अपना सेंटीमीटर्स में है बच्चों, और ऑप्शन नंबर 1 सही मार्क करेंगे, है ना। बिल्कुल फॉर्मूला डाल के पूछ लिया इसने मेजरमेंट टॉपिक से। आइए आगे देखते हैं।